नमस्कार सभी भाइयों को। दोस्तों, अशोका एम्प्लीमेंट्स दुराड़ा पे पहुँचे हैं और ये आप देख सकते हैं पूरा जो शोरूम है पूरा भरा हुआ है। अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो रोटावेटर हैं शक्तिमान का है। कितने फीट में भैया ये 4 फीट वाला? नहीं, फीट कितना है? 3.25। दोस्तों, 36 ब्लेड का है और 3.25 फीट का है। और ये टीलर जी 11 का फोल्डिंग। दोस्तों, फोल्डिंग टीलर है 11 पत्थों का। ये देख सकते हैं हैवी फ्रेम के अंदर है वो बगैर फोल्डिंग है। एक फोल्डिंग का भी, एक बिना फोल्डिंग का। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आगे वाला है ये फोल्डिंग है और ये बिना फोल्डिंग का है 11 का। ये देख सकते हैं आप। और रूटावेटर के सभी साजो सामान, चकोरे, सारी चीज़ इनके यहाँ मिलती हैं। टोटल गरारी हैं, हर तरह की हेल्पर वगैरह सारी चीज़ हैं। और दोस्तों, ये स्प्रे मशीन है, ये 500 लीटर में जी। दोस्तों, ये 500 लीटर की है। 2 मीटर पाइप। अच्छा, तो कीमत बताओगे इनकी? ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा दोस्तों, कीमत जो है आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे ख़रीदने, उसी टाइम पे कीमत की बात होगी। क्योंकि दोस्तों, वीडियो पुरानी हो जाती है और कीमत वही बोली जाती है उसमें, और उस टाइम तक जब तक आप आते हैं रेट बढ़ जाते हैं, तो कीमत का तो पता आपको यहीं आके चलेगा। और दोस्तों, ये बड़ी है, ये भी 500 में। अच्छा, इसमें क्या चेंज है? ये जो ऑटोमेटिक में ये सिर्फ हाथ से पाइप लिफ्ट। अच्छा दोस्तों, ये हाथ से इसका पाइप लिफ्टेगा हाथ से, और वो ऑटोमेटिक है कि गियर सिस्टम करो और ऑटोमेटिक ही हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, असेंबली इस तरह की है। और दोस्तों, आपको किसी भी तरह का जब आप कोई यहाँ से एम्प्लीमेंट खरीदते हैं तो उसके सभी साजो सामान यहाँ पर मौजूद हैं। और ये क्या है जी, आलू बोने की? अच्छा, दोस्तों ये जो लेजर है गन्ने बोने का है, बॉक्स वाला, जिसमें आप खाद वगैरह सारा मिला दो और खूड निकलते रहते हैं, खाद उसमें डलता रहता है। और दोस्तों, ये शक्तिमान का रोटावेटर है, सेमी चैम्पियन, 6 फीट वाला। तो भैया, इसमें चैम्पियन में और सेमी चैम्पियन में क्या फ़र्क है जी? सेमी चैम्पियन और चैम्पियन में फ़र्क ये है कि ट्रैक्टर की हॉर्स पावर के हिसाब से, मेरे ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर पे चलता है चैम्पियन। अच्छा, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा है 1 इंची और वज़न भी ज़्यादा है, तो 55 हॉर्स पावर जिसको ट्रैक्टर चाहिए, और सूखी ज़मीन को भी फोड़ देता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अपनी हॉर्स पावर के हिसाब से आप चैम्पियन और सेमी चैम्पियन ले सकते हैं। आपके पास में 8 फीट वाला भी जी? दोस्तों, 8 फीट का रोटावेटर भी है, 7 का भी है और 6 का भी है, और 3-4 वाला भी है, मतलब सारे मॉडल हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 8 फीट का रोटावेटर भी है और वो 6 फीट वाला भी है और 7 वाला भी है, और ये 3 और 4 के बीच वाला भी है दोस्तों। और दोस्तों, वो जो है 0 टिल रखी है पीछे, और ये 3 वाला प्लाव है, काफ़ी हैवी है। कितने वजन में है जी? ये 3 क्विंटल का। और वो 2 वाला है, ये एक ही जगह के बने हुए। तो इसे कितनी हॉर्स पावर का चलाएगा? इसे 55 हॉर्स पावर का, और उसे 35 प्लस, उसे 35 प्लस चला लेगा। और दोस्तों, वो फिर डिस्क वाला है पीछे वाला, आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप कितनी मोटी हैवी प्लेट का बना हुआ है, और ये जो इसमें सपोर्ट लग रही हैं, ये बहुत अच्छी सपोर्ट लग रही है इसमें, और आप जो है 50 से 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर से आप आराम से चला सकते हैं। और दोस्तों, ये जो है ये भी मुझे बड़ा ही लग रहा देखने में, 7 फीट वाला है। दोस्तों, ये शक्तिमान का 7 फीट वाला रोटावेटर है, देख सकते हैं आप। शक्तिमान के खैर रोटावेटर पहले से ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब इनमें और भी ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। और दोस्तों, मजबूताई का तो आपको पता ही है कि शक्तिमान का रोटर किस तरह का है। जिन भाई को कमर्शियल यूज़ में या बड़ी खेती है उनकी, वो इसे ही लेते हैं,
क्योंकि ये इसे लेना एक मजबूरी भी है और एक अच्छी बात भी है कि शक्तिमान का जो रोटावेटर है बहुत ही मजबूत है। और दोस्तों ये कल्टीवेटर है इनका, पांच पाथों वाला, ये बैल और झोटे पर बराबर चलता है। और ये जो हैं डोल बनाने के लिए लिए डोलर हैं। और दोस्तों ये जो है बहुत ही बढ़िया मिट्टी बाहर फेंकने वाला और मिट्टी अंदर खींचने वाला, वही है ना। ये जो है ट्रैक्टर पे, छोटे ट्रैक्टर पे दोनों साइड में जुड़ सकता है, एक साइड मिट्टी चढ़ाएगा ये, हाँ, और एक साइड मिट्टी करेगा, एक साइड जुताई करेगा। दोस्तों अगर आप इस तरफ चलाओगे, इस तरफ को चलाओगे, ब्लेड ऐसे चलेंगे तो ये मिट्टी जो है काट के बाहर की तरफ फैला देगा। अगर आप इसे उस तरफ से चलाओगे मिट्टी चढ़ा देगा, खोड़ पे मिट्टी चढ़ा देगा। ये देख सकते हैं आप दोस्तों। तो जी ये मतलब कितने वेट में है? ये वेट है लगभग ये मान लो ढाई क्विंटल, ढाई क्विंटल। और दोस्तों ये भी हैं डॉलर इस तरह के। और ये कुट्टी मशीन का फ्रेम है, इस पर मोटर यहाँ लगेगा। दोस्तों इस पर मोटर यहाँ लगेगा, पूरा फ्रेम लोहे का है। चाहे तो आप अपनी सहूलियत के लिए लकड़ी का तख्ता लगा के तब उस पर लगा सकते हैं। और दोस्तों ये हल है, ये कल्टीवेटर है छोटे वाला, छोटा है सेम ही है, ये तीन वाला है, पांच वाला। अच्छा अच्छा दोस्तों ये कुटेसरे वाला है, कुटे वाला। अच्छा कुटेसरे वाला, तीन वाला, तीन वाला। बहुत बढ़िया जी। तो इसका तो फ्रेम लग जाएगा इसमें? हाँ सब लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये जो है कुटेसरे वाला है। और ये लेजर है इनके पास में अशोका के ही, अपने खुद के। और ये इनमें निशान के लिए साइड में जो है पत्ते दिए गए हैं, जो आप कहीं भी कितनी भी दूरी पे सेट करके चला सकते हैं। अपनी चौड़ा नेड़ा करने का ऑप्शन है सभी के अंदर। और दोस्तों ये टीलर है नौ का। अच्छा ये आए हैं, ये स्पेशल स्पेशल बनवाए हैं, ये ढाल बहुत चलता है टीलर। दोस्तों इनकी टाइन देख सकते हैं आप, इनके खुरपे बड़ी टैन है। और दोस्तों इनके जो खुरपे हैं, जो पत्ते हैं, मोटे खुरपे हैं, लंबे और अलग तरह के हैं, ढड़ाई इनकी ज़्यादा है। तो ये जल्दी मिट्टी में जाएंगे और जल्दी मिट्टी को घुमाएंगे ऊपर। तो ये कितने वेट में है जी? ये 220। अच्छा 220। दोस्तों हैवी है काफ़ी, काफ़ी मोटी प्लेट लग रही है। दोस्तों जो एक पहले भी इंग्लिश टीलर आता था वो इसी तरह का था, उसका फ्रेम इसी तरह की बनावट थी, उसी की तर्ज पे इसे बनाया गया है। ये भी मिल रहा है यहाँ पे। तो ये नौ पत्तों में ही है? नौ में। अच्छा अभी इसका बड़ा नहीं आया? नहीं, 11 मिल जाएगा। अच्छा 11 मिल जाएगा, चलता है 11। बिल्कुल। दोस्तों फिर ही आ गया ये, इस पे नाम अलग। अच्छा दोस्तों ये मॉडल जो है रोटावेटर का रेगुलर प्लस है, इसका क्या मतलब? मॉडल अलग अलग होते हैं। अच्छा सभी सभी मॉडल एक ही ब्रांड नहीं होता, सब अलग अलग मॉडल। अच्छा अलग अलग मॉडल होते हैं। तो अपने ट्रैक्टर की पावर के हिसाब से और कटिंग मोटी बड़ी करने के लिए और राउंड कम ज़्यादा, वही सबका सिस्टम अलग है। दोस्तों ये जो वे पहले टीलर हैं जो इस तरह के, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिक्स वाला भी है इनके पास में, जो कोई भाई लेना चाहते हैं। ये हैवी प्लेट का फिक्स वाला है नौ का। और दोस्तों ये जो हैं ये बिना स्प्रिंग के बड़े टीलर हैं, जो कि मतलब गहरी जुताई करने के लिए हैं, जो कि तोता हल का भी काम करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इनकी काफ़ी हैवी जो इनकी बनावट है, और आप इनसे गहरी जुताई कर सकते हैं अपने खेतों में। ये नौ में ही है जो सारे? नौ में हैं, ये तो नौ के चलाने भारी हैं, काफ़ी काफ़ी लोड है इनका। और दोस्तों इनकी बनावट आप देख सकते हैं किस तरह से सपोर्ट लगा रखी है इन पर, और काफ़ी अच्छी तरह से बना रखा है इन्हें भी। और दोस्तों ये हैरो है, ये साधु की है जी? दोस्तों साधु की हैरो है। और ये किस चीज़ के लिए जी? ये उसमें लगाने के लिए टोपलिंग में। अच्छा अच्छा ये जो है मोड़ पर घूम जाती होगी। दोस्तों 16 तवों की है ये जो तवा है, इसमें बाहर है थोड़ा डिज़ाइनिंग आ रही है ऊपर से आपको देखने में, एक तवा उधर बाहर है एक इधर है।
आठ आठ तवे हैं, 16 तवों की है दोस्तों। और इसमें किसान को चलाने के लिए इतनी सुविधा दे रखी हैं कि आप जो है, तो जी 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर चला लेगा इसे, कम से कम 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर। और दोस्तों इसे ऊपर उठाने के लिए इसके पीछे पहियों का सेट भी दिया गया है, जिससे आप इसे ऊपर उठा के ला सकते हैं। आगे से हाइड्रोलिक उठाओ और पीछे फिर पिन डाल दो और आप इसे कहीं भी खड़ौंजे पे या कहीं भी दूर तक अपने फार्मों पे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जी, ये भूसा मशीन है, भूसा भरने का दोस्तों इनके पास में भूसा भरने का पंखा भी है, जो कि ये तो ढेर पे लगेगा दोस्तों, ये इस तरफ से ढेर पे लगता है पाइप लगा के, और ये ऊपर फिर ऊपर लग जाता है दोस्तों। इससे आप अपने गोदामों में या ट्रोलों के अंदर अपना ढेर पे से भूसा भर सकते हैं बड़े आराम से। और ये कौन सा मॉडल है जी? जनरेटर है, 60 ब्लेड में, शक्तिमान का ही दोस्तों, शक्तिमान का ही 60 ब्लेड का जनरेटर है। और देख सकते हैं एक दोरे से ब्लेड ही ब्लेड है, रेगुलर लाइट सीरीज है, रेगुलर लाइट दोस्तों, ये जो है शक्तिमान की रेगुलर लाइट सीरीज है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो कि दोराड़ा फ्लाईओवर स्टेट बैंक के पास में, इनके पास आने के बाद में आपकी जो है ज़्यादातर, मैं कह सकता हूँ 99% समस्या का समाधान हो जाएगा, साथ के साथ ही आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ आइए और अपने मन मर्जी के सही रेटों में एम्प्लीमेंट्स खरीद के ले जाइए। धन्यवाद, जुड़े रहिए।